Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Shalom, everyone. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए. धन्यवाद करती हूँ मैं प्रेयर ग्रुप टीम जीसस का, जिसने मुझे मौका दिया कि मैं इस पेज पे आकर यीशु की कहानियों में, यीशु की कहानियों के द्वारा आप सबको उभार सकूं. मैं इवेंजलिस्ट एडवोकेट विनीता फ्रॉम न्यू दिल्ली आप सबका स्वागत करती हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से. और इस मौके के लिए प्रभु का धन्यवाद करती हूं कि जो मौका प्रभु की ओर से मुझको मिला है. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. गॉड ब्लेस यू ऑल. प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और बरकत दे. और ये समय है कि हम इस शाम में आज की एक इंटरेस्टिंग सी कहानी, जो यीशु मसीह की तो नहीं है, इसमें यीशु मसीह तो नहीं है इस कहानी के अंदर, लेकिन यीशु मसीह का स्वरूप हमें मिलेगा. वो है पुराने नियम में, जब हम देखते हैं ओल्ड टेस्टामेंट के अगर अंदर हम देखते हैं तो एक कहानी का जिक्र है. और ये कहानी हमें मिलती है फर्स्ट सैमुअल और उसका चैप्टर 17 और उसका 31 से लेकर 51 तक. इससे पहले कि हम कहानी में जाएं, आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस समय परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे. हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड जीसस. हालेलुया. 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 गुड इवनिंग होली स्पिरिट. पवित्र आत्मा, हम सबसे पहले अपने बीच में आपका स्वागत करते हैं. आज की शाम के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं. इस सुंदर दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु. ये समय आपने दिया कि हम आपके नाम को याद करें, हम आपके नाम को महिमा दें और आपके नाम को प्रभु सुनते रहें और सुनाते रहें, क्योंकि आपका वचन कहता है विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन के द्वारा है. आज जो वचन प्रभु तू अपने बेटी के द्वारा देना चाहता है, जो कहानी आज आप अपनी बेटी के द्वारा शेयर करना चाहते हैं, ब्लेस करती हूँ मैं इस प्लेटफॉर्म को. ब्लेस करती हूँ ब्रदर आशीष को प्रभु, जिन्होंने आज यहाँ आने का मौका दिया. और सभी सुनने वाले भाई बहनों को यीशु के नाम से मैं ब्लेस करती हूँ प्रभु. आपके हाथों में हम इस समय को देते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ. आमीन आमीन आमीन. हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड जीसस. शालोम. तो आज का जो वचन, आज का जो कहानी जो प्रभु ने दी है, जो हम चाहते हैं कि हम आज थोड़ी देर इस कहानी के ऊपर, ये कहानी नहीं है एक्चुअली, एक सच्चाई है बाइबल की. और हम इसे कहानी के तौर पर संडे स्कूल में बहुत बार हमने सीखा है, बहुत बार हमने गाया है, घुमा घुमा कर मारा, घुमा घुमा कर मारा. आप सबको याद आ रहा होगा, घुमा घुमा कर मारा, दाऊद ने घुमा घुमा कर मारा. मैं उसी कहानी को, आज उसी बात को आप लोगों के बीच में फर्स्ट सैमुअल चैप्टर 17 वर्स 31-51 आपके बीच में लेकर आना चाहती हूँ. और ये एपिसोड 8 है. इस एपिसोड 8 में आज परमेश्वर अपने इस कहानी के द्वारा, अपने इस महान काम के द्वारा प्रभु आपसे बातचीत करेगा. तो बाइबल हमें ये बताती है, जब आप 31 पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि वचन दाऊद के पास पहुंचा, उसके कानों में पड़ा कि एक बड़ा गोलियात, मतलब एक बहुत बड़ा, मैं आपके साथ पढ़ना चाहूंगी. और यहां लिखा है When the words that David spoke were heard and they repeated them before Saul and he sent for him. And David said to Saul, Let no one's heart fail because of him. Your servant will go and fight with the Philistines. And Saul said to David, You are not able to go against this Philistine. Go fight with him, for you are but a youth, and he has been a man of war from his youth. Hallelujah. और यहाँ पर हम देखते हैं कि फिलिस्तीन ने इज़राइलियों को चारों तरफ से घेर लिया था. और एक ऐसा समय था कि फिलिस्तीन की सेना के अंदर गोलियात नाम का एक बहुत बड़ा एक वॉरियर, एक बहुत बड़ा गोलियात नाम का, जिसको हम कहते हैं कि जायंट, वो परमेश्वर के लोगों के खिलाफ निकलकर उनको ललकारने लगा. और एक समय ऐसा आया कि जो राजा था, जो किंग था, जिसका नाम शाऊल था, वो भी इस बात को लेकर घबरा गया कि अब कैसे इस बड़े जायंट का, कैसे इस बड़े गोलियात का सामना किया जाए. लेकिन बाइबल हमें बताती है कि जब ये खबर, ये बात
डेविड के कानों के अंदर पड़ी, दाऊद के कानों के अंदर पड़ी, तो उसने एक बात कहा, उसने कहा इस व्यक्ति से डरने की कोई जरूरत नहीं है, किसी का मन इसकी वजह से छोटा ना हो, किसी का मन इसकी वजह से ना घबराए, मैं जाऊंगा और जाकर इस फिलिस्तीनी से मैं जाकर लड़ूंगा। लेकिन शाऊल जो राजा था, उसने दाऊद की, डेविड की यूथ को देखकर, उसकी जवानी को देखकर एक बात बोली, उसने कहा तुझे पता है तू तो बच्चा है, तू तो लड़का ही है, लेकिन ये व्यक्ति जो फिलिस्तीनी है, ये अपने जवानी से, अपने बचपन से, अपनी जवानी से ही युद्ध करता चला जा रहा है, तू कैसे इस व्यक्ति से लड़ेगा। और जब हम इसको पढ़ते हैं आगे, तो बाइबल हमें बताती है कि दाऊद खड़ा हो गया और दाऊद खड़े होकर ललकारने लगा, बोलने लगा और कहने लगा, अब मैं तुम्हें बताता हूं कि मैंने क्या क्या किया है। और उसने कहा, डेविड सेड टू सॉल, योर सर्वेंट यूज टू कीप शीप फॉर हिज फादर, एंड व्हेन देयर केम अ लॉयन और अ बेयर एंड टुक अ लैम फ्रॉम द फ्लॉक, आई वेंट आफ्टर हिम, स्ट्रक हिम एंड डिलीवर्ड इट आउट ऑफ हिज माउथ, एंड इफ ही अरोज अगेंस्ट मी, आई कॉट हिम बाय द बियर्ड एंड स्ट्रक हिम एंड किल्ड हिम, योर सर्वेंट हैज स्ट्रक डाउन बोथ लॉयंस एंड बेयर्स, एंड दिस अनसर्कमसाइज फिलिस्टाइन शेल बी लाइक वन ऑफ देम। और उसने बहुत खूबसूरती से एक बात को बोला, उसने कहा तुझे पता है जब मैं अपने पिता के भेड़ और बकरियों को चराता हूं, और जब कोई भेड़ या बालू या कोई जानवर उस पर अटैक करता है, तो मैं क्या करता हूं, मैं उसकी दाढ़ी पकड़कर उसको घुमा देता हूं, उसको गिरा देता हूं, यहां तक कि मैंने भालू और सिंह का भी सामना किया है, और उनके मुंह के अंदर से मैं अपने लैम्स को, अपने भेड़ों को और अपनी बकरियों को नीच खींच खींच कर छुड़ा कर वापस ले आता हूं। यहां पर दाऊद ने बखान करना शुरू किया, बताना शुरू किया कि किस तरीके से मैं अपने 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 जीवन में मैं किस तरीके से परमेश्वर के बड़े कामों को देखता हूं, कि जब जब मैं अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए जाता हूं, मेरे अंदर परमेश्वर की सामर्थ काम करती है, मैं अकेला नहीं होता हूं। भले ही मैं अकेला हो सकता हूं अपनी भेड़ बकरियों के साथ में, लेकिन मुझे लेके चलने वाला, मुझे चराने वाला, मुझे सामर्थ्य देने वाला, मुझे बल देने वाला मेरा परमेश्वर मुझे वहां पर जयवंत करता है। दिस वॉज द टेस्टिमनी ऑफ डेविड, ये दाऊद की गवाही थी जो वो वहां पर राजा के सामने दे रहा था। Although he was a very young boy, जबकि वो एक छोटा सा लड़का था, बहुत बाइबल में बताती है 17 years old, छोटा सा लड़का था, लेकिन छोटा लड़का होने के बावजूद भी बाइबल बताती है वो उस जायंट को देख के डरा नहीं, वो भयभीत नहीं हुआ, बल्कि और ज्यादा आगे बढ़कर इस बड़ी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार होने लगा। हालेलुया। और बाइबल हमें बताती है कि फिर उसने क्या करा, और उसने कहा कि मेरे हाथ में इसको दे दो, मेरे हाथ में दे दो, और मैं इसको बताऊंगा कि मैं जीवित परमेश्वर की संतान हूं और यहोवा मेरा जीवित परमेश्वर है, एक बार मुझे मौका तो दो। उसने शाऊल से कहा गिव मी अ चांस, मुझे एक मौका तो देख के देख, देख तो सही कि मैं क्या करता हूं, एक मौका देख देख के देख कि मैं इस व्यक्ति के साथ में, इस जायंट के साथ में मैं क्या करूंगा। और बाइबल बताती है तब शॉल ने उससे एक बात कही, उसने कहा ठीक है अगर तू जाना चाहता है तो एक बात कर, एक काम कर, तू मेरा हेलमेट पहन ले, तू मेरे कपड़े पहन ले, तू मेरी तलवार ले ले, तू सब कुछ जो मेरा है वो ले ले, और राजा बन के ही जा, ताकि तू राजा बन के ही उसको मार पाएगा। लेकिन बाइबल हमें बताती, जब आप इस स्टोरी को आगे पढ़ते हैं, तो दाऊद ने कहा कि मैंने तेरे वस्त्रों को परखा नहीं है, आई हैव नॉट टेस्टेड योर रॉब, मैंने तेरे कपड़ों को, तेरे अटायर को मैंने टेस्ट नहीं किया है, मैं कैसे उनको पहन के जा सकता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यू नो यहां पर परमेश्वर इस कहानी के द्वारा मुझसे परमेश्वर ने एक बात करी, परमेश्वर ने कहा जो सामर्थ मैंने तेरे अंदर दी है, जो सामर्थ मैंने इंडिविजुअल व्यक्ति के अंदर दी है, मैं उसी सामर्थ में होकर बड़ी बड़ी चीजों को तेरे द्वारा हरवाऊंगा
उसी सामर्थ्य में होकर मैं तेरे द्वारा तुझे जयवंत करूंगा। तुझे जरूरत नहीं है कि तू किसी और की कला को सीखे, तुझे जरूरत नहीं है कि तू किसी और के शू में अपना पैर डाले, तुझे जरूरत नहीं है कि तू किसी और की तरह अपने आप को, अपनी बॉडी लैंग्वेज को ढाले। तू जैसा है, तू जैसी है, मैं तेरे द्वारा ही उस काम को पूरा कराऊंगा जिस काम के लिए मैंने तुझे रचा है। ये कहानी हमें यही बताती है, और बाइबल बताती है कि दाऊद ने कहा कि मैं तेरे वस्त्र नहीं पहन सकता, मैं नहीं पहन पाऊंगा तेरे कपड़े, मैं नहीं पहन पाऊंगा तेरी हेलमेट, मैं नहीं पहन पाऊंगा मैं तेरे उन चीजों को जो वॉरियर ड्रेस है, मैं नहीं पहन पाऊंगा। और बाइबल बताती कि उसने कुछ भी नहीं पहना और बिना पहने उन तमाम चीजों को उसने उतार के दे दिया और यूं ही चल पड़ा। और आगे हम पढ़ते हैं तो डेविड ने क्या करा कि डेविड ने सो डेविड पुट देम ऑफ एंड ही टुक हिज स्टाफ इन हिज हैंड एंड चोज 5 स्मूथ स्टोन्स फ्रॉम द ब्रूक एंड पुट देम इन हिज शेपर्ड्स पाउच। अब जो उसको सही लगा उसने करा। उसने क्या करा, उसने उन राजा के कपड़ों को तो उतार के रख दिया साइड में, बिकॉज दीज ड्रेस वॉज नॉट टेस्टेड बाय हिम। वो जो कपड़े थे वो उसके द्वारा टेस्ट किए नहीं थे, वो राजा नहीं था। ही वॉज लाइक अ शेपर्ड बॉय, वो शेपर्ड बॉय ही था, वो राजा नहीं था कि वो इन कपड़ों को पहनने को बचपन से उसने कपड़ों की प्रैक्टिस की हो या इनमें पहन के वो लड़ता हो। ही वॉज अ वेरी रफ एंड टफ बॉय। उसने वो सब चीज उतार के फेंक दी। उसने कहा मैं जैसा हूं, जिस हाल में हूं, मैं अपने यहोवा पर भरोसा रखता हूं। मैं जैसा हूं, जिस हाल में हूं, मैं अपने यहोवा पर भरोसा रखता हूं, बिकॉज विक्ट्री बिलोंग्स टू द लॉर्ड। क्योंकि जो विक्ट्री है, जो जीत है, वो यहोवा की ओर से आती है, ना कि मनुष्य के कपड़ों की ओर से। आज इस कहानी के द्वारा भी परमेश्वर आपसे और मुझसे बात कर रहा है, मुझसे भी बात कर रहा है कि कई बार हम दूसरों की कॉपी करने की कोशिश करते हैं, कई बार हम दूसरों की तरह बनने की कोशिश करते हैं, दूसरों की तरह बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या होता है, उनकी वजह से उनके जैसा बनने के लिए कई बार हम अपनी आइडेंटिटी को खो देते हैं, अपनी पहचान को खो देते हैं। आज आपकी पहचान जो परमेश्वर ने आपके अंदर रखी है, आप उसी पहचान में होकर आगे बढ़े, किसी और की पहचान में नहीं, अपनी पहचान में आपको बड़े बड़े युद्ध लड़ने हैं, अपनी पहचान में ही होकर आपको बड़े बड़े जायंट्स अपने जीवन से हराने हैं। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि उसने क्या करा, उसने 5 चिकने पत्थरों को उसने एक झरने के किनारे से, एक नाले के किनारे से उसने 5 चिकने पत्थर उठाकर अपने शेपर्ड पाउच के अंदर डाल लिए, अपनी जेब के अंदर डाल लिए और डाल के उसने उसके अंदर रख लिया। और यही उसके वेपन्स थे, यही उसके हथियार थे जिनको लेकर वो उस गोलियात से, उस बड़े जायंट से लड़ने के लिए जा रहा था। 5 पत्थर चुनकर, चिकने पत्थर उसने उस नाले के किनारे से उठाकर अपनी पॉकेट के अंदर रख लिए। और बाइबल हमें बताती है एंड द फिलिस्टाइन मूव्ड फॉरवर्ड एंड केम नियर टू डेविड विद हिज शील्ड बेयरर इन फ्रंट ऑफ हिम एंड व्हेन द फिलिस्टाइन लुक्ड एंड सॉ डेविड ही डिसडेन्ड हिम फॉर ही वॉज बट अ यूथ। और बाइबल बताती है कि जब इस फिलिस्तीनी ने, इस जायंट ने डेविड की ओर देखा, तो डेविड की ओर देखकर, उसको देखकर वो उसकी हंसी करने लगा, मानो कि उसको देखकर वो उसे घृणा से देखने लगा कि ये इतना छोटा, ये मुझसे लड़ेगा आकर, मैं क्या, मैं इतना लंबा चौड़ा, मैं इतना ज्ञानी, मैं इतना वॉरियर, मैं इतना सब कुछ करने वाला, मैंने आज तक कोई युद्ध नहीं हारा, लेकिन ये छोटा सा लड़का मुझसे लड़ेगा और उम्मीद करता है मुझे हराएगा। और बाइबल बताती है कि उसको देखकर वो उसको तुच्छ जानने लगा, उसकी मानो की मौकरी करने लगा कि ये क्या कर सकता है, ये कुछ नहीं कर सकता। कई बार ऐसी होता है आपकी और मेरी परिस्थिति के अंदर भी, मेरे प्रियो, आपकी और मेरी लाइफ के अंदर भी कई बार ऐसी परिस्थितियां होंगी जब लोग आपको और मुझको छोटा आंकेंगे अपने आगे, क्योंकि हो सकता है कि वो बहुत धनवान हो सकता है कि वो बहुत बुद्धिमान हो सकता है कि वो बहुत हाईली पोस्ट के ऊपर हो सकता है कि उनके पास इतनी ज्ञान और इतनी बुद्धि हो कि आपको लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं आता, लेकिन आप जैसे हैं, जिस हाल में हैं, बाइबल बताती है दाऊद जैसा भी था, शेपर्ड बॉय था,
एक छोटा सा पाउच रखता था, हाथ में गोफन रखता था, पत्थर भी चुन के उठा लिए उसने। उसने कुछ नहीं देखा, उसने किसी की प्रतिक्रिया नहीं देखी, उसने किसी की ओपिनियन के ऊपर ध्यान नहीं दिया कि लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे। उसने ये भी नहीं सोचा कि मेरे भाई मेरे बारे में क्या बोलेंगे, जबकि भाई भी नहीं चाहते थे कि वो युद्ध में जाकर इन सब चीजों को अपने हाथ से करे। चीजें बिल्कुल अगेंस्ट थी दाऊद की, चीजें दाऊद के बिल्कुल अगेंस्ट थी, कुछ भी उसके फेवर में नहीं था। लेकिन इसके बावजूद भी दाऊद आगे बढ़ा और आगे बढ़कर उसने इस चैलेंज को हाथ में लिया। हालेलुया, चैलेंज को हाथ में लिया। ये जो कहानी है ना, दिस स्टोरी इज ऑल अबाउट चैलेंज ग्रिपिंग, चैलेंज को लेना। आज आपकी लाइफ के अंदर बड़े बड़े चैलेंजेस होंगे, बड़े बड़े गोलियात आपके सामने खड़े होंगे, बड़ी बड़ी बीमारी गोलियात की तरह आपके सामने खड़ी होगी, फाइनेंसिस क्राइसिस आपके सामने खड़े होंगे, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी का बड़ा पहाड़ आपके सामने खड़ा होगा, घर में लड़ाई झगड़ों आफतों की बहुत बड़ा आपके आपके सामने बहुत बड़ी मुसीबतें खड़ी होंगी। लेकिन अकॉर्डिंग टू द बाइबल, जैसे कि दाऊद ने कहा और दाऊद ने किया, दाऊद मैदान छोड़कर भागा नहीं। वो भाग सकता था, वो भाग सकता था, उसको पूरा हक था भागने का। वो कोई वॉरियर नहीं था, वो कोई ऐसा नहीं था कि वो उस युद्ध का हिस्सा था, लेकिन फिर भी उसने आगे बढ़कर उस चैलेंज को लिया जिस चैलेंज से सब डर रहे थे। हालेलुया, आज आपके सामने भी बहुत सारे चैलेंज आपकी लाइफ के अंदर हो सकते हैं मेरे प्रियो, लेकिन इस कहानी के द्वारा आज मैं आपसे एक ही बात कहना चाहती हूँ, अपने चैलेंजेस को फेस करें, अपने गोलियात को फेस करें, उन चीजों को फेस करें जो आपके सामने खड़ी हैं और आप उनसे डर रहे हैं। जब आप अपने यहोवा पर भरोसा रखते हैं, जैसे दाऊद ने अपने परमेश्वर पे भरोसा किया, अपने यहोवा पे भरोसा किया, और उसमें भरोसा रखने के द्वारा उसने क्या करा, पांच पत्थर उठाए और पांच पत्थर उठा के उसने रख लिए। और आगे हम पढ़ते हैं तो आगे मैं आपके साथ पढ़ूंगी, और वहां लिखा है, Then Philistine said to David, "Am I a dog that you come to me with sticks?" And Philistine cursed David by his God. And Philistine said to David, "Come to me, and I will give your flesh to the birds." Then David said to the Philistine, "You come to me with a sword and with a spear and with a javelin, but I come to you in the name of the Lord of hosts, the God of armies of Israel, whom you have defied." उसने कहा कि तू तो अपने ईश्वर, अपने जो भी तेरे ईश्वर है, जो भी तेरे गॉड है, तू उनका नाम लेकर मुझे कर्ज कर रहा है, लेकिन मैं कोई चीज लेकर तेरे सामने नहीं आया, ना तो मैं तलवार लेकर आया, ना मैं भाला लेकर आया, लेकिन अगर मैं तेरे सामने आया तो मैं अपने परमेश्वर यहोवा के नाम को लेकर आया हूं, क्योंकि उस नाम के आगे कोई चीज काम नहीं कर सकती। हालेलुया, क्योंकि उस नाम के आगे कोई चीज काम नहीं कर सकती, मैं उस नाम को लेकर आया हूं। शायद गोलियत नहीं जान सकता था उस नाम की सच्चाई, जिस नाम की सच्चाई दाऊद को पता थी, और दाऊद ने अपनी छोटी सी उम्र में यहोवा को जान लिया था, अपनी छोटी सी उम्र में यहोवा की सामर्थ को पहचान लिया था, इसलिए वो इतनी बड़ी बात करने से नहीं डरा। और बाइबल हमें बताती है, तब आगे लिखा है, When Philistine arose and came and drew near to meet David, David ran quickly toward the battle line to meet the Philistine, and David put his hand in his bag and took out a stone and slung it and struck the Philistine on his forehead. The stone sank into his forehead and he fell down in his face टू द ग्राउंड। और बाइबल बताती है कि गोलियात उठा और दौड़ने लगा उसकी तरफ उसको मारने के लिए। तभी दाऊद ने एक काम किया, उसने क्या करा, दाऊद ने अपना हाथ अपनी उसी पॉकेट के अंदर डाला जहां उसने पत्थर रखे थे, पांच मार्बल्स रखे थे, अपना हाथ उसने उसी पॉकेट के अंदर डाला ताकि वो जल्दी से पत्थर को निकाल ले, उन मार्बल्स के टुकड़ों को निकाल ले, और उसने अपना हाथ डाला, और बाइबल बताती है, और उसने एक पत्थर निकाल कर और उस पत्थर के द्वारा उसने उस पत्थर को अपनी गोफन में रखा, और गोफन में रख के जब उसने घुमा के मारा,
घुमा के मारा, तो बाइबल बताती है कि वो पत्थर का टुकड़ा कहीं और नहीं, सीधे सीधे गोलियात के माथे में जाके घुस गया और गोलियात वहीं का वहीं ढेर हो गया। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। पांच पत्थर रखे थे गोलियात ने, पांच पत्थर रखे थे दाऊद ने गोलियात को मारने के लिए, फाइव, पांच पत्थर, लेकिन इस्तेमाल सिर्फ एक पत्थर हुआ। जानते हैं क्यों? पांच पत्थर रखे गए थे पॉकेट में, लेकिन इस्तेमाल सिर्फ एक पत्थर हुआ। और कौन सा पत्थर हुआ? वो ऐसा कौन सा पत्थर था जो 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 दाऊद ने इस्तेमाल किया गोलियात के खिलाफ? आप जानते हैं वो कौन सा पत्थर था? वो पत्थर था जो सबसे पहले दाऊद के हाथ में आ गया। हालेलुया, जो सबसे पहले दाऊद के हाथ में अवेलेबल हो गया, वही पत्थर दाऊद ने गोलियात के खिलाफ इस्तेमाल किया। चुने गए तो पांच थे, लेकिन इस्तेमाल किया गया सिर्फ एक था। आज परमेश्वर आपसे इस कहानी के जरिए एक बात और कर रहा है। आज चुने गए तो बहुत हैं, चुने गए बहुत हैं, बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने चुना है, लेकिन इस्तेमाल उन चुने हुए लोगों में से इस्तेमाल वो उन्हीं को करता है जो उसके लिए अवेलेबल होते हैं। वो पत्थर का एक ही पत्थर था जो अवेलेबल हुआ। वो चार पत्थर इतनी जल्दी दाऊद के हाथ में नहीं आए, लेकिन एक पत्थर आया, जिस जो पत्थर आ गया वही पत्थर विनर बन गया। हालेलुया, वही पत्थर विनर बन गया, और उसी पत्थर के द्वारा दाऊद ने गोलियात की कहानी को खत्म कर दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज इस कहानी के अंदर ना जाने कितनी चीजें छिपी हुई हैं, कितनी ऐसी बातें छिपी हुई हैं जो परमेश्वर मुझसे और आपसे आज की शाम करना चाहता है। मेरे प्रियो, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, एक छोटे से लड़के ने जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं था, ही वॉज जस्ट टोटली अनाइव, वो बिल्कुल नौ सीखिया था, उसे कुछ नहीं पता था। ही जस्ट नो अबाउट दी शेपर्ड एंड शीप फ्लॉक एंड टेंडरिंग द शीप्स एंड ऑल, उसे कुछ नहीं मालूम था। लेकिन अचानक युद्ध में खड़ा होना, युद्ध को जीतना, और युद्ध को सिर्फ जीतना ही नहीं, जय जयकार के साथ जीतना, ये एक बहुत बड़ी बात थी। पत्थर जो हमने अभी देखे कि उसने ना तो तलवार उठानी पड़ी उसको पहले, ना उसे कोई और चीज उठानी पड़ी, उसने एक पत्थर के द्वारा एक पूरे जायंट को नाश कर दिया। आज मेरे और आपके लिए भी एक बहुत बड़ा लेसन है इस कहानी के द्वारा। सबसे पहली चीज ये, अपने यहोवा के ऊपर भरोसा रखें, अपने गॉड के ऊपर भरोसा रखें। आज आप जिस परमेश्वर अपने प्रभु को प्रार्थना करते हैं, जिसके पास आप आते हैं, जिससे आप प्रार्थना करते हैं, अपना ईमान उसके ऊपर रखें। जब आप उसके ऊपर अपने फेथ को रखते हैं, यकीन मानिए आपका फेथ आपको कभी हारने नहीं देगा। योर फेथ मेक्स यू कॉन्कर। आपका जो फेथ है वो आपको जयवंत करता है, आपको आपको ऊंचाइयों पे लेके जाता है। और बाइबल बताती है कि एक पत्थर के द्वारा इसने दाऊद को, दाऊद ने गोलियात को गिरा दिया, मार दिया। और वो चार पत्थर इस्तेमाल नहीं किए गए, सिर्फ एक पत्थर इस्तेमाल किया गया। हालेलुया। आज हम भी, मैं और आप भी पत्थरों के समान इधर उधर पड़े हुए थे ना, हम भी इधर उधर पड़े हुए थे। जैसे दाऊद ने उन पत्थरों को उठाया, अपनी पॉकेट में रखा, ऐसे यीशु मसीह ने भी आपको और मुझको अपनी आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा इकट्ठा किया है और अपने पॉकेट में रखा है। आज वो चाहता है कि कौन सा पत्थर इस्तेमाल होगा, कौन सा पत्थर इस्तेमाल होगा जिसके द्वारा यीशु को महिमा मिलेगी। आर यू रेडी टू बी यूज्ड? क्या आज आप तैयार होना चाहते हैं प्रभु के लिए? क्या आज आप इस्तेमाल होना चाहते हैं परमेश्वर के लिए? तो कम अंडर हिज हैंड, जल्दी से आप उसकी हाथ के नीचे आए। जैसे ही आप यीशु के हाथ के नीचे आएंगे, ही विल यूज यू, वो आपको इस्तेमाल करेगा, और सिर्फ इस्तेमाल ही नहीं करेगा, ही विल गिव यू अ ह्यूज विक्ट्री इन योर लाइफ। आपके जीवन में एक बहुत बड़ी विक्ट्री, एक बहुत बड़ी जय परमेश्वर आपके जीवन में देगा। और इस जीत के द्वारा बाइबल बताती है कि दाऊद ने जब गोलियात को मार दिया, मारने के बाद उसको राजा की पोस्ट में बिठाया गया, इसके बाद वो राजा बना।
राजा का दर्जा इसको मिला, इतना बड़ा ऑनर परमेश्वर ने एक शेपर्ड बॉय को दिलाया, जो दूर दूर तक, जिसको उसके पिता ने भी कह दिया था, जब शैमुअल उसका अभिषेक करने के लिए आया तो पिता ने भी कह दिया, भूल गया पिता भी, कि हाँ मेरा एक बेटा और है जो जंगलों में भेड़ बकरियां चरा रहा है। उसकी कोई याद भी नहीं थी पिता को, उसकी कोई अहमियत नहीं थी उस घर के अंदर, लेकिन परमेश्वर की नजर में उसकी एक बड़ी अहमियत थी। हालेलुया। आज यकीन मानिए, आज हो सकता है कि आप अपनी लाइफ के अंदर अपनी वैल्यू खो चुके हैं। शायद आपकी वैल्यू करने वाला, आपको वैल्यू देने वाला शायद कोई नहीं है आज आपके फैमिली के अंदर, और आपको भी लगता है कि प्रभु मैं किसको बोलूं, किससे कहूं, कौन होगा मेरी सुनने वाला। लेकिन इस कहानी के द्वारा परमेश्वर आपसे एक बात करता है, और वो ये है कि जब आप अपने यहोवा के नाम को ऊंचा करते हैं, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करते हैं, वो कभी आपको रुसवा नहीं होने देगा। He will never let you down. वो कभी आपको नीचे नहीं गिरने देगा। And he will never leave you or forsake you. ना तो वो आपको छोड़ेगा और ना कभी वो आपको त्यागेगा। इस कहानी के द्वारा बहुत सारी लाइफ लोगों की बदली है। बहुत सारे लोगों ने दाऊद के समान आगे बढ़कर चीजों को, चैलेंजेस को लिया है। आज ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह हमें एक बात और सिखाती है कि लाइफ में बड़े बड़े चैलेंजेस आएंगे, बड़े बड़े गोलियाथ आएंगे जो मुंह फाड़ के आपके सामने खड़े होंगे, आपकी हंसी चुराने के लिए, आपका चैन चुराने के लिए, आपकी चीजों को अटैक करने के लिए। लेकिन उन चैलेंजेस को फेस करना है आपने, और वो फेस आप अकेले नहीं कर सकते। इसके लिए आपको, यू नीड योर गॉड, उसके लिए आपको आपके परमेश्वर की जरूरत है, आपको यीशु की जरूरत है। जब आप अपने प्रभु को अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं, प्रभु आपको कमाल की जगहों के ऊपर पहुंचाता है, मेरे प्रियो। और इस प्रकार से एक बड़े फिलिस्तीनी का, एक बड़े गोलियात का अंत एक पत्थर के द्वारा हो गया, एक पत्थर के द्वारा, क्योंकि वो पत्थर अवेलेबल हो गया, दाऊद के हाथ में आ गया, इसलिए इस्तेमाल किया गया। आज परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा बड़े बड़े गोलियास को हराना चाहता है। आज प्रभु आपके जीवन के द्वारा बड़ी बड़ी परिस्थितियों को जितवाना चाहता है, लेकिन जरूरत यह है, यू हैव टू बी सरेंडर टू योर लॉर्ड। आपको अपने परमेश्वर के आगे सरेंडर करना है, झुकना है और कहना है, प्रभु यूज मी, आप मुझे इस्तेमाल करें, यूज मी लॉर्ड, मुझे इस्तेमाल करें, आई वॉन्ट टू बी यूज फॉर यू लॉर्ड, मैं आपके लिए इस्तेमाल होना चाहती हूँ, मैं आपके लिए इस्तेमाल होना चाहता हूँ। और जब आप ऐसा बोलते हैं ना, परमेश्वर आपको इस्तेमाल ही नहीं करता, प्रभु आपको जयवंत करता है। आप जयवंत होते हो, बड़ी बड़ी चीजें आपकी लाइफ की खत्म होने लगती हैं, क्योंकि आप अपने यहोवा पर, अपने परमेश्वर पर, अपने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हो। आज की शाम ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, ये सच में एक बहुत बड़ा लेसन है हम सबके लिए, कि हमें भी दाऊद के समान अपने प्रभु पर भरोसा रखना है। वो डरा नहीं, वो पीछे मुड़ के नहीं गया, उसको रोका गया, राजा ने कहा तू लौट जा, तू नहीं कर पाएगा, उसने कहा नहीं, मैं नहीं लौटूंगा, मैं तो उसको हरा के ही लौटूंगा। आज प्रभु आपसे यही कह रहा है। शैतान कई बार आपको रोकने की कोशिश करेगा, वो आपको डराएगा, वो कहेगा तुमसे नहीं हो सकता, तुम नहीं कर सकते, लेकिन आपको एक ही बात कहनी है, मेरा यहोवा जो मुझे यहां तक लेकर आया, जिसने जीवन के इस मोड़ तक मुझे नहीं छोड़ा और त्यागा, वो मुझे आगे भी नहीं छोड़ेगा। आपके वर्ड्स में पावर है, जो आप बोलते हैं वो होता है, जो दाऊद ने बोला वो करके भी दिखाया। वर्ड्स में पावर है, अपने शब्दों को वो बोले जिसके द्वारा आपको सामर्थ्य मिले, वो बोले जिससे स्वर्ग को सामर्थ्य मिले, वो बोले जिससे शैतान की सामर्थ्य छिने। आपके वर्ड्स में पावर है, अपने शब्दों के द्वारा जयवंत होइए। और आज की शाम ये कहानी, ये स्टोरी आप सबको बहुत आशीष दे और बरकत दे। आइए एक छोटी दुआ करते हैं और आज की शाम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, इतनी सुंदर कहानी के द्वारा आज आपने हम में से हर एक से बात करी है। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय, जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत से ऐसे हैं जो फिनेंशियली बहुत परेशान हैं, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु तेरे पास तो धन्य भंडार है, और तू अपने बच्चों की दुआओं को सुनकर उन्हें आशा देता है, उनकी तमाम जरूरतों को पूरा करता है। आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, इनकी जो भी जरूरतें हैं ये यीशु के नाम से पूरी हो,
और ये आपकी गवाही दें। मैं दुआ करती हूँ हमारे बीच में कोई बीमार है प्रभु, आज इस कहानी के द्वारा वो एक नया बल पाए, नई सामर्थ पाए और तेरे नाम को महिमा दे पाए। प्रभु जितने भाई बहनों ने सुना है, एक स्पिरिचुअल डाइट उनको मिलने पाए जिसके द्वारा उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, आत्मिक उन्नति हो प्रभु, ताकि इनके जीवन बदले और आपसे लिपटे रहें। थैंक यू लॉर्ड, आपने इस्तेमाल किया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। इस पेज को ब्लेस करती हूँ, ब्रदर आशीष को ब्लेस करती हूँ, की मिनिस्ट्री को ब्लेस करती हूँ, टीम को ब्लेस करती हूँ। थैंक यू लॉर्ड, यीशु मसीह के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस लॉर्ड। प्रभु आप सबको आज की शाम हर एक को बहुत आशीष दे और बरकत दे, और इस स्टोरी के द्वारा आपसे प्रभु बोले और बातचीत करे। नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट वीक हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नई मोटिवेशनल स्पिरिचुअल जुगलबंदी के साथ। हमें प्रभु फिर से जोड़ेगा और हम किसी ना किसी के लिए आशीष का कारण बने। एक बात और जो आपने सीखा है आज स्टोरी के द्वारा, आज आप किसी को जरूर शेयर करें ताकि उसका जीवन भी इस कहानी के द्वारा बच सके और आप आशीष पाएं। प्रेज द लॉर्ड एंड गॉड ब्लेस यू।